सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिला हमीरपुर इकाई ने डीसी हमीरपुर के गेट के बाहर भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन व रेडी फड़ी यूनियन संबंधित सीटों और किसान सभा ने किसानों द्वारा दिल्ली में लाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्षरत हैं। इस मौके पर सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सीटू जिला सचिव जोगिंदर सिंह ने किसानों के ऊपर हरियाणा और दिल्ली पुलिस की बर्बरता की निंदा की और कहा कि इस कड़कती ठंड में पानी की बुझार और लाठीचार्ज निंदनीय है। पहले ही किसान कृषि संकट के चलते आत्महत्या कर रहा है, उसे समर्थन मूल्य के ऊपर अनाज की कीमत नहीं दी जा रही है, ऊपर से मंडियों को खत्म करके अनाज की खरीद बड़े कॉरपोरेट और व्यापारियों के हवाले इन कानूनों के तहत किया जाएगा जो किसानों को मान्य नहीं है। इसके अलावा ठेका खेती और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उससे कालाबाजारी पड़ेगी, आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। सीटू के सदस्य ने मांग की है कि इन तीनों कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए। राज्य कमेटी के आह्वान पर आज हमीरपुर के अंदर सीटू जिला कमेटी ने प्रदर्शन आयोजित किया है। असल में पूरे देश के अंदर जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने किसानों से जुड़े 3 कानूनों को बदला है। ये कानून किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और देश के अंदर खेती को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिसमें आप जानते हैं जो हमारे देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो किसानों से जुड़ा है, जिसमें ये अधिकार था कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक वस्तु थी उनको किसी सीमा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता था। मगर अब इस कानून को ख़त्म करके सरकार ने मजदूरों, किसानों का जो स्टोर करने का जो कानून ख़त्म कर दिया है, उससे बड़े बड़ी कंपनियां जो है बहुत बड़े पैमाने पर स्टोर करेंगी और उससे किसान अपना कीमत भी हासिल नहीं कर पाएगा और उसकी बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा, सरकार ने जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको किया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया है और इस तरीके से खेती बाड़ी को बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले किया जाए। और इससे जिस तरीके की व्यवस्था सरकार करने जा रही है उससे जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो किसान है उसको बहुत कम विकल्प होंगे अपने सामान को, अपने उत्पाद को बेचने के लिए। और कुल मिला के ये सरकार जो है खेती का कॉरपोरेटेशन कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है देश की खेती व्यवस्था को हवाले करने के लिए ये सरकार कदम उठा रही है, काम कर रही है। इसी के विरोध में जो आज CI2 किसानों के समर्थन में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और उसी कड़ी में हमीरपुर के अंदर ही प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आपने देखा है जिस तरीके से हरियाणा के अंदर, खासतौर पर जो BJP शासित राज्य है, उनके अंदर किसानों को पर आंदोलन को कुचलने के लिए हरियाणा के अंदर जो खेत मजदूर यूनियन के नेताओं को घरों में गिरफ्तार किया गया ताकि वो आंदोलन में शामिल ना हो सके, और वैसा ही स्थिति पूरी जो भाजपा नीत राज्य है उनके अंदर है। सड़कों को खोदा गया, सरकारी मशीनरों को तोड़ा गया कि किसान जो है अपना आंदोलन ना कर सके, मगर उसके बावजूद जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश का जो किसान है, पूरे देश का जो मजदूर है, उस आंदोलन के साथ उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के। हिमाचल में फिलहाल किसानों का आंदोलन है, किसानों के संगठन इसको कर रहे हैं और साथ में जो हमारा CI2 का संगठन है वो कंधे से कंधा मिला के किसानों की मांगों को लेकर जो है लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी शामिल रहेगा।